ज्योति जी मिलकर कैसा लगा आपको? मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बॉलीवुड का किंग ही अपने सामने देख लिया। सेम टू सेम शाहरुख खान जी हैं, और पहले ही इनसे मैं एक बार लाल किला में मिली हुई हूँ, पर उस दिन कुछ भी बात नहीं हुई, मैंने हाय कहा, इन्होंने हेलो। तो हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ। आप लोग यही देखते होंगे कि मैं हाथ में लड़की वाला ये जो आइटम है वो क्यों पहन के रखा पड़ा हूँ। ये क्या है ना, सबका स्टाइल होता है यार। क्या अब देखो, मेरे को मान के चलो, देखो पुराने जमाने का स्टाइल है। गैस यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा आप लोगों को इंडिया गेट, क्योंकि इंडिया गेट हम लोग हर रोज जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। आज मैंने ये सोचा कि आज मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, ओके शॉर्ट का, तो मैं सोच रहा हूँ कि सब यूट्यूबर बन रहे, तो क्यों ना मैं एक बार यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म में आकर मैं वर्क करूँ। ओके सो गाइस, आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए, आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए, जिस तरह आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर रहे हो। रियली में बहुत इतना ज़्यादा मोहब्बत आप दिखा दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर दो ताकि मैं ऐसा करूँ कि मैं कर सकूँ। तो गाइस आप लोगों को फैनी लेके जाऊंगा इंडिया गेट। सबसे पहले मैं जाऊंगा, खाना खाऊंगा, वो भी कहाँ, रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि रोड का फुटपाथ पे, क्योंकि वहाँ का खाना अगर आप खाओगे तो आपको लगेगा कि घर का खाना खा रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस लव यू, आगे का ब्लॉग देखो, लव यू गाइस। तो हेलो दोस्तों, देख नहीं पा रहा हूँ ब्लॉग के चक्कर में, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं रोड पे। मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग मैं पहली बार बना रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा दोस्त से मिली, आप आ जाओ किशन, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा रूम पार्टनर है, सबसे पहले दोस्त मैं बोलूंगा इसको। तो प्लीज गाइस इनको भी सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे भी, देखो चेहरा दिखो ना, नर्वस होती है क्या, इनके लिए गाना है, देखो आप फिर से दिखाओ ना, फिर तुम बोलो चैनल को लेकर, तुमको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे। मेरा बड़ा भाई है, बहुत मेहनत करता है इन चीजों में, बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है लगातार, चार सालों से। हेलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं और बीच का लोकेशन हम लोग नहीं दिखाए ताकि किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है राहुल, बहुत कस कर भूख लगी ना तुम्हें, पता है क्या, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि रूम पर हम लोग खाना भी नहीं बनाया वीडियो के चक्कर में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा और खाना खाऊंगा आंटी और अंकल के हाथ से, ओके मेट्रो स्टेशन के पास, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और मेरा ये दोस्त। ठीक है, दोस्त तो आ गया हूँ अंकल आंटी के पास खाना खाने के लिए। आंटी क्या खाएंगे, सवाल है दोस्तों, जो खाना खाने का मजा यहाँ पे है वो कोई रेस्टोरेंट में नहीं है बिल्कुल। अंकल हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, और मैं जब भी आता हूँ तो अंकल आंटी के पास खाना खा कर होकर खाना खाते हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब माता पिता के हाथों से खाना खा रहे हैं, हम कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाते और जो खाना है और जो मजा रेस्टोरेंट में जाकर खाने का नहीं है ना, वो मजा यहाँ मिलता है बिल्कुल। सो ये दिल्ली तिलक नगर मेट्रो के पास दो नंबर मेट्रो के पास अब आओ, अरंकल और आंटी का हाथों का खाना का आनंद लो। बोल ऐसा लगता है कि दोस्तों खाना खा रहे हैं। रायता भी चलोगे? हाँ रायता दे दो। तो हेलो दोस्तों, ये हमारा पराठा आ गया, यम्मी आलू का। तो दोस्तों अंकल और आंटी के हाथ का छोले, इसको क्या बोलते हैं, इसको दाल बोलते हैं, इसको मक्की दाल, अंकल ने बता दिया। ठीक है, अंकल ने बता दिया है, अब आओ दिल्ली तिलक नगर मेट्रो के पास, ठीक है, और खाने का आनंद उठाओ, यहाँ कम पैसों में खा सकते हो बहुत ही आनंद से, ठीक है, और मैं भी खाने का मजा ले रहा हूँ। ओके एक बार खा के अस्सी तुस्सी पियांगे लस्सी, अस्सी तुस्सी पियांगे लस्सी। तो हेलो दोस्तों, हम लोगों का जो पेट है वो भर चुका है, अब भरना है
इनका पेट, भगवान का पेट, मैं इन्हें भगवान मानता हूँ, ओके। तो इनके लिए मैं पैक करवा रहा हूँ अंकल और आंटी से पराठा, ओके। तो दोस्तों इसमें पराठा है, बहुत ही मजा आएगा, तो मैं ये पराठा मैं अपने भगवान को दूंगा, ओके। आ जा आगे, हम लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, और ये देखो आप, यहाँ हम लोग टोकन ले रहे हैं। मेट्रो आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। लोकेशन इंडिया गेट में ही होता है, कई सारे वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो वो इंडिया गेट के ही देखे होंगे। आप पहले लोकेशन दिखा दो रहा हूँ इधर का, ये आप देखो, आप देख रहे हो, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी कोर्ट नहीं है, ठीक है। आप इधर देखो, आप लोगों को भी ये भी लगता होगा कि आ गया मैं लंदन और ऑस्ट्रेलिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं कोई VFX में दिखा रहा हूँ, मैं रोज का आना जाना है क्या। आप उधर देखो फिर, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ ज्योति जी से, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। आइए आप ज्योति जी, वेलकम मेरे चैनल में आपका। हेलो सर। हाय, आपको पता ना कितनी अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, और पहली बार हम लोग मिले हैं, इनके फेस में देखिए स्माइल और मेरे फेस में देखिए स्माइल, है ना। हाँ जी, अच्छा है ना। सो हम लोग अब समय ना यूज करके हम लोग अब अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे और साथ में मिलकर इंजॉय करेंगे, वीडियो बनाएंगे। सो गाइस प्लीज आप इन्हें फॉलो करो, लाइक करो। आईडी का नाम क्या आपका? ज्योति रावत 1176। आप आगे जाके बोलो, आप ज्योति रावत 1176 जरूर फॉलो करना, जरूर फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज इन्होंने छुट्टी लेकर आई है, क्योंकि हम लोग इतना टाइम देते नहीं है, मैं तो टाइम दूंगा लेकिन इन लोग क्या जॉब वगैरह करती हैं। तो गाइस आप प्लीज, मैं इनका आईडी मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ज्योति जी मिलकर कैसा लगा आपको? मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैंने बॉलीवुड का किंग ही अपने सामने देख लिया, सेम टू सेम शाहरुख खान जी है, और पहले ही इनसे मैं एक बार लाल किला में मिली हुई हूँ, पर उस दिन कुछ भी बात नहीं हुई, मैंने हाय कहा, इन्होंने हेलो बोला बस, और अलग अलग हो गए। पहली बार लाल किला में मिली थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखी होंगी लेकिन ये साई हो गए, शर्मा गई है, ठीक है। आप मुझे कब से जानते हो? सर जब टिकटॉक का जमाना था तभी से मैं आपको तब से ही फॉलो करती हूँ, और तब भी आपकी वीडियो देखती थी, मतलब ये था कि कभी आपसे मिलना हो या नहीं हो ये तो था ही नहीं कि मिलना होगा, बट फाइनली जब मैंने आपको मतलब कि देखा कि आप दिल्ली में ही रहते हो, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आपको सर्च किया और सूरज कुमार आपका मैंने आईडी देखा, फिर मैंने फॉलो किया, आपसे बात करी, और इतने अच्छे मतलब कि जिसके फॉलोवर्स इतने लाखों में हैं वो इतना अच्छा बात करने में होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और बिल्कुल आप एकदम इतने थैंक यू बहुत अच्छे हैं, पहली बार मिले हैं, और दिल से बताऊं तो हम लोग मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, सोशल मीडिया में मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे। आप लोग प्लीज़
आप लोग से नर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अब इनको सपोर्ट करो। ज्योति रावत के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, सो गाइस प्लीज सपोर्ट करो। क्या करें? सपोर्ट करें, मुझे भी करें और इनको भी। थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा ना।